ये रही सोया चाम, ये पाइनएप्पल स्मोक जो ग्रिल या स्मोक किए होते हैं वो वाले पाइनएप्पल, ये मशरूम, और ये रहा पनीर टिक्का। और सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जा रहे हैं फूड ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि बड़ी देर हो गई है कहीं घूमने, तो कोरोना वायरस के चक्कर में जा नहीं सकते, तो आज हम फूड ब्लॉग बनाएंगे। तो फूड ब्लॉग के लिए हम लोग जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन, ये है ग्रेटर कैलाश में। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मैं बता दूंगा, तो आज हमारा क्या क्या एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको जाके हम बता देंगे। तो तब तक के लिए आप रास्ता इंजॉय करो, उसके बाद हम लोग आपको वहां जाके मिलते हैं। फाइनली बारबेक्यू नेशन पहुंच चुके हैं, मास्क डाल लिया है और अब हम चलते हैं, लेट्स गो। कीप सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर क्लीनिंग इज हैज बीन डन, और कोल आ चुके हैं, इसके बाद जो भी ग्रिल वगैरह होना है वो होगा इसके बाद, तो अब हम करेंगे एंजॉय। फाइनली अभी हम वेट कर रहे हैं, अब हमारा वेज ये नॉन वेज, मैं वेज, दो बंदे, ठीक है। अब हम दोनों आपको एंड में बता देंगे कि वेज का कैसा लगा और नॉन वेज का कैसा लगा, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा कि हम लोग वेजिटेरियन खा रहे हैं, तो ये जो हमारी मार्किंग है ये है ग्रीन कलर की, ये भाई नॉन वेज खा रहा है, इसके लिए कोई मार्किंग नहीं है, तो इससे इनको कोई दिक्कत नहीं होती इस वजह से। आइस और भाई कैसा टेस्ट है इसका? अच्छा अच्छा भाई, कर अच्छा भाई, थोड़ा सा कैमरे से शर्माता है पर कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता आदत पड़ जाएगी, मेरे दोस्त होके तो आदत पड़ा ही देता हूँ। एक है हमारा प्रोफेशनल है, वो मुझे भी ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है कि आने वाले समय में मेरा व्लॉग भी अपडेट वो कर लेगा। हम पूछ गए थे, ये बोलता तू बना यार, हम लोगों को भूखा रखा है, देखो यार, देखो यार खाली रखी है अभी भी, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। ये रही सोया चाम, ये पाइनएप्पल स्मोक जो ग्रिल या स्मोक किए होते हैं वो वाले पाइनएप्पल, ये मशरूम, और ये रहा पनीर टिक्का। और ज़्यादा देर ना करते हुए अब खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा था। तो फाइनली आप डलवा लेते हैं, पहले मशरूम चखते हैं, तब हम चखते हैं पहले, बोर्ड खाओ फिर बोर्ड खाओ। फाइनली तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, पाइनएप्पल, सोया चाम और पनीर टिक्का, तीनों खा के बताता हूँ कैसा लगा। और जो सबसे गलत चीज़ है वो ये है, ये नॉन वेज बंदा है इसको वेजिटेरियन वाला सामान भी दे रहे हैं, ये सबसे गलत है। हम तो कुछ खाते हैं, ये नॉन वेज वालों को जैसी है यार, पनीर भी खा लेते हैं, बाद में बोलते हैं चिकन भी पनीर ही होता है, खा लो थोड़ा सा। जो इन चीज़ों का डिटेल रिव्यू है यहाँ पे बैठ के तो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, उनको अच्छा लगेगा, मैं आपको बाहर जाके पूरा डिटेल रिव्यू दे दूँगा कि मुझे कितना अच्छा लगा और कितना नहीं अच्छा लगा। नॉन वेज वाले भाई से भी पूछ लेंगे, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन। तो भैया वेज की टोटल कितनी है डिशेज स्नैक्स में? वेज की आपकी 5 रहेगी और नॉन वेज की 5 रहेगी, ठीक है। तो वेज में हमारी 5 क्या हैं? 5 क्या क्या है नाम बोल दीजिए एक बार। 5 में सर आपका इसमें सोया चाप रहेगा सर, पहाड़ी मशरूम रहेगा इसमें, ओके, और आपका काजू स्पाइस पोटैटो रहेगा सर, वेज कबाब होगा, क्रिस्पी कॉर्न रहेंगे सर, ओके, और नॉन वेज के लिए पाइनएप्पल और रोस्टेड पाइनएप्पल, ओके, और नॉन वेज के लिए? नॉन वेज के लिए सर आपका चिकन टिक्का होगा सर, चिली गार्लिक फिश है उसमें, आपका चिकन सीख कबाब रहते हैं बट वो अभी आए नहीं है, तो चिकन विंग्स रहेंगे सर उसमें, ये ओके। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। और ये देखियो किसी साहब का ढेर लगाया, रोटी पूरा कर रहे हैं हमारे भाई, देखिए ढेर हड्डियां हड्डियां करते हैं, वेट करा रहे हैं, सही बात है। और भाई सर्विस को रैंकिंग अच्छी नहीं दे रहा, भाई कह रहा है सर्विस अच्छी नहीं है इनकी। थैंक यू, मैंने लेमन मंगाया। तो जो टोटल कंक्लूड करके बता देता हूँ, जो टोटल है इनकी 5 वेज की डिशेज हैं और 5 नॉन वेज के जो स्नैक्स मिलते हैं वो 5-5 हैं, और शिट और लाइफ चली गई है, सो बैड। तो मैं आपको बाद में अपडेट देता हूँ। तो फाइनली हमें इनको बोला था कि ये जो पहले सर्व कर रहे थे स्नैक्स तो बिल्कुल लाइट मसाला था, तो हमने मसाले वाले मंगाए हैं, पर अगर आप मेरी आंखों में देखो तो आपको पता ही लग रहा होगा मुझे कितना ही स्वाद लग रहा है। तो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू आपको बाहर जाके पूरी तरह गाड़ी में पूरा रिव्यू दूंगा, मेरे को क्या क्या सही लगा क्या क्या नहीं लगा, ठीक है।
और मसाला आप ज़्यादा डाल दिया हुआ है। ज़्यादा ही आइस क्यूब्स की शेप में परफेक्ट स्क्वायर, और मैं पकड़ लेता हूँ, पकड़ने की ज़रूरत नहीं। डालिए मलाई कोफ्ता, इस साइड हो रही है कुकिंग। फाइनली ये सब आ चुका है, अब रोटी खाएंगे, इसके बाद लास्ट में डेजर्ट, और वो मेरा फेवरेट पार्ट है। इसके बाद तो अभी रोटी खाने के बाद लास्ट पार्ट है डेजर्ट वाला, और वो मेरा फेवरेट पार्ट है। उसके बाद हम डेजर्ट खाएंगे, तो आपको बताते हैं क्या क्या अच्छा अच्छा लगा हमें यहाँ पे। और द मेन पार्ट, फाइनल पार्ट हमारा डेजर्ट, और ये चॉकलेट 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 आइसक्रीम, और हमारी लच्छे वाली आइसक्रीम भी आ रही है अभी। तो अभी हम आपको डेजर्ट चखने के बाद पूरी तरह बताते हैं क्या क्या टेस्ट था। फ्लेवर शायद बटर स्कॉच है, पर टेस्टी है, सबसे ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे। तो भी लास्ट में हमारी जम्मू की ट्रेडिशनल एक ही हमारी वो रह चुकी है, आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन, और अब वो लास्ट में खाते हैं बस, उसके बाद कवर हो जाते हैं। तो अब आपको मिलते हैं सीधे वो खाते हुए। ओके, आफ्टर ऑल सब कुछ खा लिया है हम लोगों ने, अब हम बाहर जाके आपको जेन्युइन रिव्यू जो गाड़ी में देंगे। तो फाइनली अभी हम लोग वापस आ चुके हैं बाहर, तो मैंने जो आपको कहा था जो सही रिव्यू है वो हमें बाहर आके आपको देंगे। तो जो असली बात थी वो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, कैमरा थोड़ा सा पकड़ने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। हाँ, तो जो असली बात थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वेज में था, वेज में 5 स्टार्टर्स थे और नॉन वेज में भी 5 थे, पर जो वेज था मुझे कुछ बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा खास, तो हम बोल नहीं सकते बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि मैंने और मेरे भाई ने वेज खाया है। तो आप क्या बोलोगे भाई, मेरे को तो इतना कुछ बोलते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा वो नहीं, उनके ये है कि उनके जो डेजर्ट वगैरह थे बहुत अच्छे थे, डेजर्ट बहुत अच्छा था, रोटी भी जेन्युइन थी, बिल्कुल बिल्कुल मसाले के साथ जितनी होनी चाहिए परफेक्शन के साथ थी, वो हमें अच्छा लगा। तो हमारे भाई ने जिसने नॉनवेज खाया, मैं आपको वो बता देता हूँ, नॉनवेज वाला भाई, तो ये रहे हमारे नॉनवेज वाला भाई। और नॉनवेज का क्या हिसाब था? नॉर्मल था, दोनों नॉनवेज अच्छा लगा मेरे को, वेज इतना अच्छा नहीं लगा, आपको नॉनवेज सही लगा? देखो हां, नॉर्मल था, ज्यादा इतना अच्छा नहीं बोल सकते हम, नॉनवेज नॉर्मल था। तो नॉनवेज में भी 5 डिशेस थी और वेज में भी 5 डिशेस थी, बाकी चीज़ें सब मिनिमम अच्छी लगी, क्योंकि इससे पहले मैं वो 11 स्पाइसेस गया था, वो जो गांधीनगर में है पहलवान के पास, उनके स्टार्टर बहुत अच्छे लगे मुझे। मैंने अज्यूम किया था कि बारबेक्यू नेशन का स्टैंडर्ड के हिसाब से, बारबेक्यू नेशन का उस हिसाब से अच्छा होगा, पर जो भी था अच्छा था, इतना बुरा नहीं था, हम कहेंगे आप जा ही नहीं सकते। हमने खाया अच्छे से, दिल भर के खाया हम लोगों ने, सुबह से तबाही मचाई हुई है खाने में। तो अभी फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं, तो खा पी बहुत ज़्यादा लिया हुआ है और अब घर जाने की तैयारी हो रही है। तो आप लोग ज़रूर जाना, तो जम्मू की ये मेरी पहली फूड वाली वीडियोज़ थी, और आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा सही। ये रहा मौसम, बिल्कुल बिल्कुल जो साफ मौसम है अभी, और ट्रैफिक लाइट बंद थी इस वजह से, और हमारे जाने में बारिश हो रही है। इंद्र देवता हमारे पे खुश हो चुके हैं, हमने अच्छे से भोजन का प्रसाद ग्रहण किया, इस वजह से अब बारिश बहुत ज़्यादा सही हो रही है। तो अब मेरे भाई कुछ कहना चाहेंगे, अब ये मेरे भाई बताएंगे। चलो सबसे पहले आप सब सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक सब्सक्राइब प्लीज, लाइक शेयर, और भाइयों ने कह दिया अब तो आपको करना पड़ेगा, लाइक जरूर करना। अगर आप जम्मू से हो, साढ़े अपने जम्मू के जितने भी लोग हैं, तो सारे लाइक जरूर करना, क्या से जम्मू की वीडियो पाई रही है थोड़े वास्ते, सही गल है नी? सही गल है। तो इसलिए बाय 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 बाय।
तो थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और आप जम्मू से हो तो जरूर बताना आपका क्या ख्याल है पार्टी के लिए अगर आप ये हो।